किसान का कमाल, 2 किलो 100 ग्राम वजन मौसम्बी फल उगाकर किसान ने सभी को चौंकाया। शिवपुरी जिले के बैराड़ में 2 किलो 100 ग्राम वजन की एक मौसम्बी, यह सुनकर आम लोग तो छोड़िए उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी हैरान है। वे यह मानने को तैयार ही नहीं है कि मौसम्बी का वजन इतना अधिक हो सकता है, लेकिन यह कमाल किया है भदेरा गांव के किसान रामदयाल रावत उर्फ भगत जी ने। 60 वर्षीय रावत जी बताते हैं कि उनके भाई ने इजराइल से मौसम्बी की पौध लाकर दी, जिसे उन्होंने खेत में रोपा। अब इसी से तैयार हुए पेड़ों से 2 किलो 100 ग्राम वजनी मौसम्बी फल मिल रहे हैं। 40 किलो का कटेल और आधा किलो का नींबू भी उगा चुके हैं। दरअसल किसान रामदयाल रावत को अटपटी फसलें उगाने का शौक है। 3 साल पहले उन्होंने अपने भदेरा के इसी खेत में 500 ग्राम से अधिक वजन के नींबू का उत्पादन किया था। इसके बाद 40 किलो वजन के एक कटहल का भी उत्पादन किया। उनके भाई सरदार सिंह रावत भारतीय सेना में कैप्टन है। वे इसराइल से मौसम्बी की 2 पौध लाए, जिसे किसान रामदयाल ने अपने खेत में रोप दिया। अब उसी से तैयार हुए पेड़ों से 2 किलो 100 ग्राम वजनी मौसम्बी मिल रही है। किसान रामदयाल का दावा है कि उनके खेत में 2 पेड़ों में 50 से अधिक वजनी मौसम्बी लगी हुई है। इस फसल के उत्पादन के लिए उन्होंने बार बार पौधों की घेरी जड़ में खाद और पानी दिया, उचित देखभाल के साथ कीटनाशकों का छिड़काव भी किया, जिसका सुखद परिणाम अब मिला है। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल रावत है, ग्राम भदेरा का रहने वाला हूँ। कोष्टक में भगत जी भी बोलते हैं, रामदयाल भगत जी के नाम से लोग पुकारते हैं। टोरिया रोड पर अपना फार्म है। हमने इस बीज को, हमसे छोटा भाई आर्मी में है, ऑन सर्विस है, इजराइल गए थे वे भारत प्रतिनिधि की तरफ से, तो वहाँ से इस बीज को लाए। उन्होंने चर्चा की कि इसके अंदर इतने इतने बड़े फल लगते हैं। हमने बीज को उगाया और यहाँ रोपण किया, और उनके बताए अनुसार ही हमने उसके लिए वातावरण बनाया और 5-7 तरह की गोबर की, पत्ती की, अनाज की, तिलहन की अलग अलग खादें बना के और अलग अलग टाइम से खाते हैं, और छिड़काव भी किया कीटनाशकों का, और फलों की अधिक संख्या कम की, जिससे कि उसकी फल की क्षमता बढ़े, वो जो इसकी गुणवत्ता है। और काई काई के पेड़ लगाए आपने? और हमने एक नींबू का पेड़ है, जिसमें एक नींबू की जगह 5 नींबू आते हैं, और हर मौसम में नींबू मिलेगा 12 मासी। गलगल का भी पेड़ है अपने पास, कटहर का, जिसमें 40 किलो का कटहर लगता है। अच्छा। और अमरूद का भी पेड़ है। उसकी क्या विशेषता है? उसकी ये विशेषता है कि छोटा अमरूद लगेगा और दाना नहीं मिलेगा उसके अंदर, बगैर दाने का। अच्छा। चाहे जितने टाइम तक लगा रहे दो, मगर दाना दाना नहीं पड़ेगा उसको, चाहे स्वस्थ व्यक्ति खाए या मरीज भी खाए, दोनों के लिए बेटर है। और भी औषधियों का भी अपन संग्रह करके रखते हैं। लोग आते हैं कभी, गांव के जो निर्धन व्यक्ति हैं, समाज सेवा की दृष्टि से अपन उनको औषधियां भी देते हैं, फूलों की, फुंसियों की, दाद की, खाज की, खुजली की। जो फूला ऑपरेशन से हॉस्पिटल में फूले जाते हैं, उनको अपन दवा के द्वारा यहीं निजात मिला देते हैं लोगों को। और लेना देना अपना कुछ है नहीं किसी से, केवल समाज सेवा के उद्देश्य है अपना लक्ष्य।